हे तो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मोबाइल की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो देखने के बाद आपका जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो 100% इम्प्रूव हो जाएगी। बात करें सामान्य सेंसिटिविटी के बारे में तो आपको 170 के आसपास कर देनी है। इसको करने के बाद आपकी स्क्रीन है वो आराम से मूव हो जाएगी। इधर उधर आप ड्रैग हेडशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। सेकंड जो सेंसिटिविटी है वो रेड डॉट है, उसको आपको 151-150 के आसपास कर देना है। इसके बाद गाइज आप देख रहे हैं कि मैं डेजर्ट ईगल से कैसे शॉट ले रहा हूँ। तीसरे नंबर की जो सेंसिटिविटी है वो सेटिंग है गाइज 2x स्कोप वाली, तो इसको आपको कर देना है 160 के आसपास और उसके बाद आप गेम प्ले देख सकते हो जो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को। आप भी अपने मोबाइल में ये सेटिंग अप्लाई करना है गाइज, और मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या आपके भी मोबाइल में बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेंसिटिविटी नंबर 4 की तरफ जो है 4x स्कोप वाली, उसको भी आपको 160 ही करना है गाइज। देखते गाइज मैं बता चुका हूँ 4 सेंसिटिविटी के बारे में। अब बात करते हैं 5वीं के बारे में जो है स्नाइपर स्कोप के बारे में। स्नाइपर गन है जो लॉन्ग रेंज में हमारी आसी खासी मदद कर देती हैं, और उसका अगर सेंसिटिविटी सही नहीं हो तो आप हेडशॉट या बंदे को नॉकडाउन भी नहीं कर सकते। जिसको रखना है आपको 170 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं कितना आसानी से जो स्नाइपर का स्कोप है उसको मूव कर पा रहा हूँ। सिक्स नंबर जो सेंसिटिविटी है गाइज वो फ्री लुक है। वैसे तो ये कोई खास काम की नहीं है, लेकिन अगर आप ये बटन यूज करते हो तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो। नहीं तो ये कोई खास काम की नहीं है, जहाँ आपका मन है वहाँ सेट कर सकते हो। तो ये थी वो बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग गाइज। आपको कैसी लगी कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। और गाइज आपको जितना हो सके ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इसको प्रैक्टिस करना है, और अगर आपका थोड़ा भी सेंसिटिविटी इधर उधर लग रहा है तो आपको सिर्फ ऊपर वाली या जनरल वाली उसी में ही थोड़ा बहुत बदलाव करना है। अगर आपका मोबाइल अच्छा है रैम रोम वाला है तो आपको कम करना है, और कम रैम रोम वाला है तो आपको थोड़ा बढ़ाना है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलता हूँ एक नई वीडियो में।